दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो इस तरीके का मेल जो है वो यूट्यूब की तरफ से जो है वो आपके पास भी जो है वो आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो मेल यूट्यूब ने भेजा है आखिर क्यों भेजा है और इस मेल का जो मतलब है आखिर वो है क्या। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों इस तरीके का जो मेल आया है वो उन्हीं लोगों को आया है जो कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, भले आप जो है वो लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो या आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो या आपका जो चैनल है वो बिल्कुल नया है और अभी तक आपने कोई भी वीडियो यूट्यूब पर जो है वो अपलोड नहीं किया है, मगर दोस्तों फिर भी ये इस तरीके का मेल जो है वो आपके पास भी जो है वो आया होगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब जो इस तरीके का मेल जो है वो हर एक साल जो है वो भेजता है यूट्यूब क्रिएटरों को, यानी कि जनवरी के महीने में जो है जब साल हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है तब जो YouTube जो इस तरीके का मेल जो है वो जितने भी YouTube क्रिएटर हैं जो भी लोग भी YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं उनके पास जो इस तरीके का मेल जो है वो भेजता है। और इस मेल का जो यहाँ पर ये मतलब है कि YouTube जो है वो बार बार जो है आपको YouTube के गाइडलाइन के बारे में जो है वो याद दिलाता रहता है और इस ईमेल में जो वो यही लिखा हुआ है YouTube के गाइडलाइन के बारे में, ताकि आप जो है YouTube के गाइडलाइन का जो है वो उल्लंघन जो है वो ना करें। तो दोस्तों इस मेल में जो है वो ये लिखा हुआ है YouTube के गाइडलाइन के बारे में, यहाँ पर आप जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो साफ लिखा हुआ है कम्युनिटी गाइडलाइन और यहाँ पर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर YouTube जो है YouTube के गाइडलाइन के बारे में जो है वो समझने के लिए जो आपको इस तरीके का मेल जो है वो भेजता है, इस मेल से जो आपको डरने वाली जो है वो कोई भी बात नहीं है। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको जो YouTube के गाइडलाइन के बारे में जो है वो पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको जो है YouTube के गाइडलाइन के बारे में जो है अगर पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, कोई ना कोई जो है वो गलती कर बैठेंगे और ऐसे में क्या होगा कि YouTube जो है आपको जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देगा, कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा या तो फिर आपका जो चैनल है वो एक ही झटके में जो है वो डिलीट कर देगा। इसीलिए आपको जो है कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। दोस्तों YouTube का जो गाइडलाइन है वो बहुत ज़्यादा है, मगर उनमें से जो सबसे ज़रूरी गाइडलाइन है उसके बारे में जो है मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहला गाइडलाइन है वो ये है कि अगर आप किसी फेक एप्लीकेशन के बारे में जो है वो रिव्यू कर रहे हैं या तो फिर आप ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं जो पेड है और आप उसे फ्री में जो है वो सिखा रहे हैं डाउनलोड करना या उसे यूज करना, या आप कोई मूवी जो है वो बता रहे हैं किस तरीके से जो है वो डाउनलोड करें, या यूट्यूब की वीडियो जो है किस तरीके से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप जो है वो ये बता रहे हैं अपनी वीडियो में, तो ऐसे में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो आपके चैनल पर जो है वो आ सकता है। और दूसरा जो है अगर आप किसी की वीडियो को जो है वो चोरी करके अपनी चैनल पर अपलोड करते हैं तो ऐसे में भी जो है वो आपको स्ट्राइक जो है वो दे सकता है जो उस वीडियो का ऑनर है। और तीसरा गाइडलाइन जो है वो सबसे खतरनाक है, मान लीजिए कहीं पर जो है वो किसी का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसे में आप क्या करते हैं उसका जो है वो वीडियो शूट करते हैं और आप जो है अपने चैनल पर जो है वो अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे में भी जो है YouTube जो है आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो दे देता है। और इतना ही नहीं, आपका चैनल भी जो है वो डिलीट हो सकता है अगर आप इस तरीके की वीडियो अपलोड करते हैं। तो चौथे गाइडलाइन के बारे में अगर बात करें तो आप जो यहाँ पर जो है वो गलत शब्द का जो है वो उपयोग नहीं कर सकते, किसी को जो है वो गाली गलौज जो है वो नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसे में भी जो है आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो YouTube दे सकता है। और YouTube के गाइडलाइन के हिसाब से जो है अगर आप जो है किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, गाली गलौज दे रहे हैं या इसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हैं, किसी के धर्म का जो है वो मजाक बनाते हैं, तो इस तरीके का भी चैनल जो है दोस्तों वो क्या होगा कि YouTube जो है वो मोनेटाइज नहीं करेगा और ऐसे चैनल को भी जो है YouTube जो है वो तुरंत जो है वो डिलीट कर देगा। और इतना ही नहीं, अगर आप अपनी वीडियो के थंबनेल में भी कुछ ऐसा इमेज जो है वो यूज कर लेते हैं जो कि YouTube के गाइडलाइन के खिलाफ हो तो ऐसे में भी जो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो आ सकता है। तो दोस्तों इन्हीं सबसे बचने के लिए जो है YouTube ने जो है आपको जो इस तरीके का जो है वो मेल भेजा है। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है YouTube के सारे गाइडलाइन जो है मैंने जो है वो लिख दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जो है बड़े आराम से जो है जाके पूरी गाइडलाइन को जो है वो पढ़ सकते हैं। मैंने जो अभी आपको गाइडलाइन बताया है ये जो है मैंने पूरा नहीं बताया है, बहुत सारे क्योंकि YouTube के गाइडलाइन है, अगर मैं पूरा बताने लगूंगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने दे दिया है तो आप वहाँ से जो है वो पढ़ सकते हैं YouTube के गाइडलाइन के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।